Hello everyone, so welcome back on KMS Fashion. आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे. पहली बात तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि कोविड है, पैंडमिक है, और इसी वजह से ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस आई एम नॉट अपडेटेड विद द वीडियोस. सो अब वो रीज़न नहीं है. सो अब मैं रेगुलर आपको वीडियोस वापस से शेयर करती रहूँगी, और हमारी जो कॉन्टिन्यूएशन रहेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वो भी कॉन्टिन्यू हो जाएगी. सो आप लोग भी कोविड को लाइटली ना लीजिए, और बी सेफ, बी एट होम एंड डू ऑल द प्रिकॉशंस विच मेक्स यू सो सेफ. सो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम लोगों का एक बैच जो कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2020 में, वो हमारा ख़त्म हो चुका है. हमारा अप्रैल 2021 में वो ख़त्म हो चुका है. सो उसके बाद हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो हमारा फॉर द योर होम साइंस प्रिपरेशन के लिए रहेगा 2021 के लिए. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और वो डिले हो गए हैं, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को रोक नहीं सकते. सो इसके लिए हमारा न्यू बैच जो है वो जून से स्टार्ट होने जा रहा है. लाइव क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आर रिस्पेक्टिव नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं. सो ये जो बैच रहेगा इसके अंदर कंप्लीट लाइव क्लासेस होगी फॉर ऑल द 10 यूनिट्स, एज वेल एज यू कैन हैव जस्ट फॉर द क्लासेस. साथ के साथ आपका अलग से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे. क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस नोट्स, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. सो जो भी किसी के भी अगर कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन टेलीग्राम मी एनी टाइम. सो उसके डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी. सो जल्दी देखिए, आप लोग जून से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा. अगर किसी को ये भी नहीं है कि आपको पूरा बैच लेना है, किसी के कुछ इंडिविजुअल अगर यूनिट्स, मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे को यूनिट थर्ड में प्रॉब्लम है, तो आई कैन ऑल्सो ऑप्ट द यूनिट थर्ड ओनली. आप इंडिविजुअल यूनिट्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. सो वो वाला हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल प्रिपेयर है. आप लोगों को जो पेमेंट है वो भी आप लोगों की पार्शियल रहेगी, फुल पेमेंट, फुल 10 यूनिट्स का कोई नहीं रहेगा. जैसे जिसको सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. सो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आता ही आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. सबसे मेन क्वेश्चन क्या रहता है, अगर तो देखिए, दिस वन इज़ अ कॉमन थिंग आई एम टेलिंग यू गाइस, दैट इफ़ यू फाइंड अ क्वेश्चन इन विच दे आर आस्किंग अबाउट द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, दे हैव नेचुरल एंड मैन मेड इन देयर ऑप्शंस. सो आपका अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमेशा आपका आंसर नेचुरल फाइबर्स रहना चाहिए, बिकॉज नेचुरल फाइबर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, नेचर बनाता है. मैन मेड की जो प्रोसेसिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है फॉर ऑल द फाइबर्स. सो आप लोगों को नेचुरल फाइबर्स ही ऑप्ट करना है, और उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताते जाएंगे. तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो आपका कॉटन का 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आप लोगों के हाथ में पेन होगा, दिस इज़ माय पेन, ओके. तो पेन है या पेंसिल है, कुछ भी है, जो ये बाहर से आपको इस तरह से दिख रहा है, दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है. और जो ये वाला आपको दिख रहा है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल. सो ये हमारा डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन में. इसी तरीके से जो आपका फाइबर होता है, जो आपका रेशा होता है, उस रेशा को या हम उस फाइबर को कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, स्लाइड्स के ऊपर रख के और ग्लिसरीन उस पर डाल के. तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है. जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को ये समझना है कि 2 व्यूज़ हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल है. तो कॉटन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू कैसे होता है, विजुअली इस तरह से दिखता है, मैच्योर फ्लैट रिबन लाइक कॉन्वुलेशन थिक वॉल एंड स्मॉल ल्यूमिन. ल्यूमिन स्मॉल होता है, थिक वॉल होती है, और रिबन लाइक फॉर्म यहाँ पर रहता है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है हमारा फॉर कॉटन.
इमेच्योर में थिन वॉल होती है, लार्ज ल्यूमिन होता है। देखिए डिफरेंसेस, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप देख लीजिए। जो मैच्योर कॉटन होगा उसके अंदर आपका थिक वॉल होगी और ल्यूमिन स्मॉल होगा, लेकिन जो इमेच्योर हमारा कॉटन रहेगा उसमें पतली वॉल होगी और लार्ज ल्यूमिन रहेगा विद फ्यू कॉन्ग्यूलेशंस। अगर डेड हो गया है तो वेरी थिन एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। ऑन द अदर हैंड मर्सराइज्ड में स्मूथ और सिलेंड्रिकल, कम कॉन्ग्यूलेशंस और ल्यूमिन, और समटाइम्स इट इज़ एब्सेंट इन मर्सराइज्ड कॉटन। सो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू मैंने यहाँ पर बताया है। नाउ कम्स टू क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये पेंसिल है या पेन है तो जो ये वाली चीज़ है आपकी, दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शनल। ओके, सो क्रॉस सेक्शनल आपका क्या रहेगा, किडनी शेप में, बीन शेप में, किडनी शेप में, ये शेप में रहेगा। एलिप्टिकल शेप, वेरी थिन लाइक अ स्ट्राइप एंड नियरली राउंड और सर्कुलर, मतलब कम्प्लीटली राउंड या सर्कुलर नहीं होता बट नियरली, ठीक है। इस तरह का आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू रहेगा फॉर कॉटन। नाउ हेडेड टू लेनन, अगर लेनन की हम यहीं पर बात करें तो उसका जो हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो क्या है, स्मूथ एंड बैम्बू लाइक विद क्रॉस मेकिंग नॉड्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं नॉड्स में भी क्या है, क्रॉस मेकिंग हो रखी है। नो लेंथ वाइज स्टायरेशन, कोई स्टायरेशंस नहीं है लेंथ वाइज इसमें। नैरो ल्यूमिन, ल्यूमिन बहुत ही नैरो होता है इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड इसी को अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यूज की बात देखते हैं तो स्मॉल पॉलीगनल शेप, छोटी पॉलीगन की शेप है यहाँ पर ये वाली, और विद स्ट्रेट साइड्स है इसकी, और इमेच्योर ओवल शेप विद लार्ज ल्यूमिन। और अगर इमेच्योर होगा तो वो ओवल शेप में होगा और उसका अंदर का ल्यूमिन लार्ज होगा। नेक्स्ट हैम्प की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू उसका कैसा होगा, स्मूथ और सिलेंड्रिकल विद क्रॉस मेकिंग नॉड्स, कोई लेंथ वाइज स्टायरेशंस नहीं होगी, और ब्रॉड ल्यूमिन। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे, अब देखिए ये कौन से हमारे नेचुरल, सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे नेचुरल है, नेचुरल फाइबर्स हैं, साथ के साथ ये हमारे वेजिटेबल फाइबर्स भी हैं। तो ये हमारे कॉटन से मिलते जुलते और आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने कौन सा पढ़ा था, लेनिन पढ़ा था, उसमें नैरो ल्यूमिन था, ल्यूमिन पतला था, लेकिन डिफरेंस क्या है, हेम्प में आपका ल्यूमिन क्या होता है, ब्रॉड ल्यूमिन होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल पार्शली पॉलीगोनल इन शेप है हमारा। नेक्स्ट हेडेड टू जूट, जूट हमारी बोरी होती है जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आपके आलू प्याज और ये सब चीज़ें जाती हैं बोरी, वो सिलेंड्रिकल विद अनइवन इन डायामीटर, डायामीटर अनइवन होता है, ये डायामीटर होता है, ये जब सेंटर से क्रॉस कर देते हैं दैट इज़ आर डायामीटर, वो हमारा क्या होता है, अनइवन रहता है, ल्यूमिन ब्रॉड होता है और वेरीज जेंटली, डिफर करता है ये एक दूसरे से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर दोबारा से क्रॉस सेक्शनल की बात करती हूँ जूट के लिए, तो वो राउंडेड पॉलीगन है विद सेंट्रल ल्यूमिन। रैमी, इसका अगर हम, तो ये इरेगुलर और ब्रॉड विद लॉन्ग क्रॉस मार्किंग, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्वुलेशंस मे अपीयर, इस तरह का इसका अपीयरेंस है। ऑन द अदर हैंड अगेन ये हमारा क्या है, ऑब्लॉन्ग शेप में है फॉर रेमिन। सो ये हमारे क्या थे, नेचुरल एज वेल एज वेजिटेबल फाइबर। नाउ वी आर हेडेड टू नेचुरल फाइबर्स, एनिमल फाइबर। सो एनिमल के अंदर पहला कौन सा आता है, वूल, जो हमारे कहाँ से मिलता है, शीप से, गोट से, कैमल से, रैबिट से, ठीक है। और रैबिट्स, ये वाली वीडियोज़ आप ऑलरेडी हमारी देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये सिलेंड्रिकल, इरेगुलर, रफ, स्केली स्ट्रक्चर है, आप देखते हो ना, स्केली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आप लोगों को विजिबल हो पा रहा है। सो स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, डार्क मेड्यूला में अपीयर ऑन कोरस वूल फाइबर, जो कोरस वूल फाइबर होती है उसमें फाइबर होगी, उसमें डार्क मेड्यूला प्रेजेंट होगा। और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कैसा होगा, इसके अंदर एपिडर्मिक्स, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये आपका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वूल का, ये वाला भी हम ले आएंगे, वूल के स्ट्रक्चर का भी हम लोग वीडियो ले आएंगे जल्दी। नियरली राउंड और सर्कुलर मेड्यूला में अपीयर, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा आपके वूल का।
योर सिल्क, सिल्क में हम स्मूथ सरफेस होता है, स्ट्रक्चरलेस, ट्रायंगुलर शेप्ड, ट्रांसपेरेंट रॉड, वाइल्ड सिल्क होगी, टसर सिल्क होगी, उनकी ब्रॉड फाइबर होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन पास करती है, फिलामेंट। ऊपर के सारे स्टेपल थे और ये हमारे क्या है, फिलामेंट फाइबर्स। एक और क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कॉटन दे रखा है, वूल दे रखा है, सिल्क दे रखा है, या फिर आपका नायलॉन दे रखा है, एंड दे आस्क अबाउट टू, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये मान लो आपका ए है, डी है, सी है, बी है, सी है और डी है, तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा, वूल और कॉटन। अगर वूल नहीं दे रखा, सपोज इन एनी केस उन्होंने यहाँ पर वूल नहीं दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने मान लो दे दिया रेयन, और ऑप्शंस के अंदर उन्होंने सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दो नहीं पूछे, सिंपल पूछा है, देन हमारा आंसर होगा कॉटन, ठीक है। अगर दो दो के कॉम्बिनेशन में पूछे तब ए एंड सी होगा हमारा, अगर नहीं पूछा तो सिंपल आपका कॉटन रहेगा, क्योंकि जो हमारा फिलामेंट फाइबर होता है और जो हमारा स्टेपल फाइबर होता है, तो उसमें स्टेपल हमारा ईजी टू लुक रहेगा एज कंपेरेटिव टू फिलामेंट। वहीं पर अगर सिल्क की हम बात करें क्रॉस सेक्शन के लिए, तो ये ट्रायंगुलर शेप विद राउंडेड कॉर्नर्स, इसके ट्रायंगुलर शेप रहेगी, लेकिन जो कॉर्नर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, राउंडेड रहेंगे। अब बात करते हैं मैनमेड फाइबर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विस्कस रेयन। सो ये हमारा नॉर्मल टाइप, फेयरली डेंस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएशन या फाइन लाइंस होती हैं, स्मूथ और स्ट्रक्चरलेस इसकी अपीयरेंस रहती है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू की, तो इररेगुलर विद सीरेटेड आउटलाइंस और ओवल या फिर राउंडेड शेप आपकी रहेगी। सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर में हमारा लॉन्ग एक यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी और लॉन्ग स्ट्राइरेशंस के साथ, और जबकि क्रॉस सेक्शनल इररेगुलर विद सेरेटेड आउटलाइंस के साथ। एक्राइलिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एक्राइलिक में स्मूथ सरफेस होगा, यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, रॉड लाइक अपीयरेंस होगी, इररेगुलर स्पेस्ड स्ट्रिएशंस इसके अंदर विजिबल होंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल ये हमारा राउंडेड और डंबल शेप का दिखेगा हमें। पॉलिएस्टर हम देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चरलेस, यूनिफॉर्म डायमीटर, रॉड लाइक अपीयरेंस होगी और सर्कुलर रहता है हमारा स्ट्रक्चर पॉलिएस्टर का। पॉलिएस्टर में एक और भी आपका आता है कि ये आपकी क्या होती है, मेल्ट स्पिनिंग होती है, मेल्ट स्पिनिंग से हमारा बनता है। देन नायलॉन की अगर हम बात करते हैं, तो नायलॉन का आपका जो स्ट्रक्चरलेस, यूनिफॉर्म डायमीटर, रॉड लाइक अपीयरेंस रहेगी, और क्रॉस सेक्शनल हमारा कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। सो ये कुछ एक हमारे थे जो फाइबर्स के, हमारा कौन सा था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन गाइस आपको मोस्टली मिल जाएगा और डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आपको मिल जाते हैं और इजी टू गो आपको मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो से आप ये 2 मार्क्स ले सकते हैं इफ़ यू गेट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और फॉर मोर क्वेरीज, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि आप हमारी क्लास जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे को कॉल मैसेज करके उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जो हमारा ऑलरेडी बैच कवर हो चुका है, आप उनकी भी क्लासेस कॉल ले सकते हैं, बिकॉज लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, रेगुलर असिस्टेंट मिलेगी, आप मेरे से बात कर सकेंगे, मेरे को मैसेज अगर आप रोज़ के रोज़ भी करते हैं किसी क्वेरी के लिए, सो आई एम देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो अगेन आई एम सेइंग कोविड पैंडमिक इज़ एट पीक, सो आप लोग प्रॉपरली अपना ध्यान रखें, अपने नियर वंस का ध्यान रखें, अपना अपना हर कोई ध्यान रखेगा तो सबका ध्यान हो जाएगा। सो बी सेफ, बी हेल्दी, कॉन्टिन्यू लर्निंग, बट बी सेफ एंड बी होम, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।